नमस्कार जोहार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे होंगे। महत्वपूर्ण और ख़ास जानकारियां लेके हम आपके बीच आ चुके हैं। बिल्कुल हम जानकारियां देना भी चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले देखना चाहेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ जया। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रांची जिला के किसानों को सिंचाई के लिए अनुदान पर पंप सेट और पाइप देने की है योजना। पलामू में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना। लत्तेदार फ्रेंचबीन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद HAVP3। अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार की ओर से रांची जिला में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने, मानसून पर किसानों को निर्भरता कम करने और बहुफसलीय खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही सरकारी तालाब जीर्णोद्धार योजना एवं जलनिधि योजना के तहत बनाए गए परकोलेशन टैंक यानी मध्यम एवं निचले खेत में बनाए गए तालाब से सिंचाई के लिए 1.5 से 3 हॉर्स पावर का पंप सेट और 200 फीट पाइप दिया जाएगा। इसके अलावा जिन किसानों के पास मनरेगा के तहत बना हुआ कुआं है, उन्हें भी उनके कुआं के आकार के अनुसार 1.5 से 3 हॉर्स पावर का पंप सेट और 200 फीट पाइप दिया जाएगा। इस पर सरकार की ओर से 90% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए रांची के किसान मनरेगा कुआं के लाभुक अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर अपना नाम सूचीबद्ध कराएं, जबकि परकोलेशन टैंक के मालिक जिला भूमि संरक्षण कार्यालय रांची में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। पलामू में गव्य विकास विभाग द्वारा कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य है पलामू में स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए अत्याधुनिक डेयरी संयंत्रों की स्थापना करके दूध उत्पाद कार्यक्रम को जीविकापार्जन एवं स्वरोजगार के सशक्त साधन के रूप में स्थापित करना और राज्य को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। कामधेनु डेयरी फार्मिंग की योजना लागत 50 लाख रुपए है। इसमें सखी मंडलों को 25% अनुदान और युवा शिक्षित बेरोजगार लघु उद्यमी स्वयं सहायता समूह तथा प्रगतिशील पशुपालकों को 15% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए पलामू के पशुपालक जिला गव्य विकास कार्यालय पलामू में 28 जुलाई 2017 तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। दलहन की खेती से ज्यादा उपज लेने के लिए बुआई से पहले बीजोपचार करें। दलहनी बीजोपचार में सबसे ज्यादा फायदेमंद है राइजोबियम कल्चर से उपचार करना। राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार नहीं करने से उत्पादन में 60 से 70% की कमी हो जाती है। दलहनी फसलों की बुआई से पहले उसके बीज को क्रमवार 3 उपचार करें। सबसे पहले फफूंदनाशी दवा से बीजोपचार करें, इससे बीज में फफूंद या फफूंद जनित रोग लगने का खतरा नहीं रहेगा। इसके बाद कीट व्याधि से बचाव के लिए कीटनाशी दवा से बीजोपचार करें और अंत में राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार करें। राइजोबियम कल्चर एक जीवाणु खाद है जिसमें काफी संख्या में ऐसे जीवाणु रहते हैं जो हवा से नाइट्रोजन ग्रहण करके पौधों तक पहुंचाते हैं। इससे दलहन की उपज में करीब 20% की वृद्धि होती है। हम चाहेंगे कि एक तो आता है FIR करके एक फॉर्मूला बनाए हैं, उसमें है कि सबसे अच्छा आपको फंजीसाइड पहले ट्रीट करेंगे, उसके बाद इंसेक्टिसाइड, उसके बाद राइजोबियम कल्चर आपको बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बहुत से मिलेगा आपको कभी उसको यूज करके, लेकिन आपको राइजोबियम कल्चर यूज करना है। किसान भाई बहुत से किसान को देखे हैं कि राइजोबियम कल्चर नहीं यूज करने के चलते करीब 60 से 70% उसके उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए हमें मतलब किसान लोग से मेरी विनती है कि राइजोबियम कल्चर को उपचार करके बीज को जरूर लगाएं। राज्य के जो किसान लत्तेदार फ्रेंचबीन की खेती करना चाहते हैं वे अविलंब बुआई का काम पूरा कर लें। बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद HAVP3 लगाएं।
इसकी उत्पादन क्षमता 150 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा भी कई ऐसे उन्नत प्रभेद हैं जो झारखंड की मिट्टी और मौसम के अनुकूल हैं। ये प्रभेद कौन से हैं, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाई, जो इस मौसम में, इस बरसात का मौसम में, खरीफ के मौसम में जो लतरदार फ्रेंच बीन की खेती करना चाह रहे हैं, तो हमारा प्लांडर स्थित इस अनुसंधान केंद्र में 3 उन्नत प्रभेद का विकास हुआ है। एक है सरना लता, जिसका उपज क्षमता करीब 120 से 140 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है। 60 से 65 दिन में फलियां पहली तुड़ाई जगह हो जाती है। और दूसरी प्रभेद है मतलब HAPB3। ये भी, इसका फलियां भी गोल गुदेदार होते हैं। इसका उपज क्षमता 150 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है। ये भी 60 से 65 दिन में तैयार हो जाता है। तीसरी जो उन्नत प्रभेद है वो है HAPB4। तो ये HAPB3 का बीज का रंग सफ़ेद होता है, मैंने पका हुआ बीज का, और HAPB4 का काले रंग के होते हैं। तो HAPB4 जो और आगेती है, क्योंकि ये 50 दिन में ही फलियां पहला तुड़ाई जगह हो जाती है। इसका उपज क्षमता करीब 150 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से। इसके अलावा जैसे पूसा हेमलता, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से भी विकसित, वो भी उसकी खेती भी कर सकते हैं। और जो बिरसा प्रिया, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके से विकसित हुई है, रांची से विकसित हुई है, इसका भी किसान भाई खेती कर सकते हैं, मैंने लतादार फ्रेंच बीन के लिए। बिरसा बीज सह खाद ड्रिल एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान अपने खेत में कतारों के बीच की बुआई और खाद डालने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 50 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण के उपाय के बारे में। किसान भाई, आप अपने भिंडी फसल वाले खेत में पक्षियों को बैठने के लिए अड्डा यानी आश्रय स्थल बनाएं। प्रति एकड़ की दर से 10 पक्षी आश्रय बनाएं। ये पक्षी फसल में लगने वाले कीड़ों को मारकर खा जाएंगे, जिससे फसल कीटों से मुक्त रहेगी। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपए से 2400 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2900 रुपए, चावल उत्तम 3800 रुपए से 6000 रुपए, 2100 रुपए से 2600 रुपए, चना 5600 रुपए से 6100 रुपए, दाल अरहर 5400 रुपए से 6000 रुपए, दाल मसूर 4500 रुपए से 5100 रुपए, दाल चना 6500 रुपए से 7000 रुपए, सरसों तेल 9150 रुपए से 10500 रुपए, चीनी 4100 रुपए से 4180 रुपए, आलू 650 रुपए से 850 रुपए और प्याज 750 रुपए से 900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही, अगले दिन अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां पे आपने मौसम के मिजाज, मंडी के भाव और कृषि से जुड़ी तमाम जानकारियां ली। अभी जानकारियां और भी हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसे हम बताना चाहते हैं, लेकिन यहां पे रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू, देख खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप
ब्लाइट ट्रैप मित्र कीट जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। विराम के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। पहली और महत्वपूर्ण जानकारी जो हम देना चाहते हैं वो है खरीफ दलहनी फसल यानी तिल की उन्नत खेती आप कैसे करेंगे। बिल्कुल किसान भाइयों, तो तैयार हो जाइए जानकारी लेने के लिए, चलते हैं विशेषज्ञ के पास। तिलहन फसलों में तिल भारत की सबसे पुरानी और खास फसल है, जिसका इतिहास भारत में करीब 5000 साल पुराना मिलता है। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनसे हमें वनस्पति तेल मिलता है। खरीफ की इस तिलहन फसल के बीजों में 50% तेल पाया जाता है। दुनिया भर में तिल के उत्पादन का 25% हिस्सा अकेले भारत में होता है, जो कि मूंगफली से भी ज़्यादा है। यह स्वाद में मीठी तथा चिकनी होती है। तिल शीतलता एवं पौष्टिकता के गुणों से भरपूर होने के कारण स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है। झारखंड में तिल उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ की मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। झारखंड में तिल की खेती बहुत जगह में की जाती है और यह एक यहाँ की एक प्रमुख तिलहनी फसल है, जो कि खरीफ मौसम में की जाती है। यहाँ की जो मिट्टी है वो तिल के उत्पादन के लिए काफ़ी जो है अच्छी मिट्टी होती है, जो कि आप जो अपलैंड है उसमें भी ले सकते हैं, चाहे मीडियम लैंड में जो कि दोन दो की ज़मीन है उसमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारे किसान भाई तिल का उत्पादन करते हैं और यहाँ की मिट्टी इसके लिए काफ़ी उपयुक्त है, इसलिए इसकी संभावना झारखंड में बहुत ज़्यादा है। तिल की खेती के लिए हल्की भूमि तथा दोमट भूमि सबसे उपयुक्त होती है। जून के दूसरे सप्ताह में पहली वर्षा के बाद खेत की तैयारी के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2-3 जुताई कल्टीवेटर या देसी हल से करके खेत में पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। इसके पश्चात ही बुआई करनी चाहिए। किसान भाई, तिल की खेती हल्की दोमट मिट्टी या फिर जो है वैसे जगह में की जाती है जहाँ पानी का जल जमाव नहीं हो, अर्थात जो है हमारी टाण भूमि है उसमें भी आप खेती कर सकते हैं तथा दोन तीन की ज़मीन है उसमें भी आप खेती कर सकते हैं। तो खेत को अच्छी तरह पहले जुताई कर लें ताकि खरपतवार जो है वो नष्ट हो जाए। इसके बाद जो है फिर 2 या 3 दिन के बाद जो खरपतवार जो नष्ट होने लगे उसके बाद फिर एक जुताई कर लें और पाटा लगा करके खेत को बुआई के लिए तैयार कर लें। किसान भाइयों, झारखंड में तिल की खेती करने के लिए 2 प्रभेद सबसे अच्छी मानी जाती है, कांके सफ़ेद और कृष्णा। सबसे पहले किस्म है कांके सफ़ेद, जो कि जो है इसका जो है दाना जो है सफ़ेद होता है, इसका तिल सफ़ेद होता है और ये जो है इस झारखंड के लिए काफ़ी उपयुक्त है और इसकी उपज क्षमता 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा दूसरी जो वेराइटी है इसको कृष्णा कहते हैं, ये जो है इसका रंग जो है काला होता है, काला तिल जो है वो कृष्णा वेराइटी है और इसका भी उत्पादन जो है 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। कृष्णा जो है वो पहले तैयार होती है और जो कांके तिल जो है वो बाद में तैयार होती है, लगभग 10 दिन का अंतर रहता है। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। खरीफ की फसल होने की वजह से खरपतवार तिल की फसल का एक अहम रोग है। बुआई के पश्चात जैसे ही फसल ऊपर आती है तो सावधानी बरतते हुए आइसोप्रोटोन नामक रसायन का घोल बनाकर छिड़काव कर दिया जाता है, इससे खरपतवार की संभावना समाप्त हो जाती है। तिल की खेती होती है उसकी जो मतलब कि खेत की जो परिस्थिति होती है उस परिस्थिति में भी खरपतवार काफ़ी ज़्यादा उगते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि उन्नत तिल की खेती के लिए खरपतवार नियंत्रण किया जाए। तो इसके लिए या तो किसान भाई निकौनी गुड़ौनी बुआई के 15 से 20 दिन के अंदर कर लें या फिर कुछ केमिकल हैं, रसायन हैं जो कि खरपतवार नियंत्रित करते हैं उसका प्रयोग करें। इसमें एक महत्वपूर्ण रसायन है जिसका नाम जो है आइसोप्रोटोन है। वो आइसोप्रोटोन की 1 लीटर मात्रा जो है वो उसका जो है आप 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर मतलब कि खेत में छिड़काव करें और यह छिड़काव जो है तिल लगाने के 15 से 20 दिन के बाद करना चाहिए। इसके अलावा जो है एलाक्लोर है, इसको वो 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लगाने के 2 या 3 दिन बाद कर सकते हैं।
इसके अलावा भी और से बहुत सारे रसायन बाजार में उपलब्ध हैं जिससे कि आप खरपतवार को नियंत्रित कर सकते। तिल वर्षा ऋतु की फसल होने के कारण सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यदि पानी न बरसे तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। किसानों को ध्यान रखना चाहिए फूल आने के पहले खेत में नमी हमेशा बनी रहे। जैसे मान लीजिए उस समय यदि वर्षा नहीं होता है तो फूल आने के पहले एक सिंचाई की व्यवस्था करें जी। तिल की फसल 90 से 120 दिनों के बीच तैयार हो जाती है। तिल की पत्तियां जब पीली होकर गिरने लगे तब समझना चाहिए कि फसल पककर तैयार हो गई है। इसके पश्चात कटाई पौधों सहित नीचे से करनी चाहिए। जब पौधा अच्छी तरह से सूख जाए तब मड़ाई कर बीज निकाल लेना चाहिए। बीज निकालने के बाद इसे कड़ी धूप में अच्छी तरह सुखा लें। कटाई और भंडारण की व्यवस्था है तो जब उसके जो है दान पौध जो है जो फली बनती है वो जब चटकने लगे और जब 80% जो है पूरा पौधा जो है सूख जाए तो इसका मतलब है कि ये हमारा तिल जो है कटने के लिए तैयार हो जाता है। जब तिल उसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग कर लें कटाई कर लें और एक उसके बाद ले जा करके इसको जो है आप एक दो दिन के बाद इसकी मड़ाई करें और मड़ाई के बाद जो है फिर आप इसकी 2 या 3 दिन कड़े धूप में आप सुखा दें। इस प्रकार जो है आप यदि वैज्ञानिक ढंग से तिल की खेती करेंगे तो किसान को भरपूर लाभ मिलेगा। किसान भाइयों कैसी लगी जानकारी? बिल्कुल अच्छी थी ना, और आपके लिए फ़ायदेमंद भी। हमें उम्मीद है कि इन जानकारियों से आप लाभ उठाएंगे। अगली जानकारी और भी देना चाहते हैं और वो भी बहुत खास है, कहीं जाइएगा नहीं, यहाँ रुकते हैं छोटे से विराम के लिए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों विराम के बाद आप सभी का स्वागत है, और महत्वपूर्ण जानकारी जो दूसरी है वो है जैव उर्वरक से कृषि उत्पादन क्षमता आप कैसे बढ़ाएंगे और कैसे लाभ पाएंगे। तो चलिए जल्द से जल्द चलते हैं विशेषज्ञ के पास और लेते हैं जानकारी। भूमि की उर्वरता को टिकाऊ बनाए रखते हुए सतत फसल उत्पादन के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने कृषि प्रदत्त जीवाणुओं को पहचान कर उनसे विभिन्न प्रकार के पर्यावरण हितैषी उर्वरक तैयार किए हैं, जिन्हें हम जैव उर्वरक या जीवाणु खाद कहते हैं। जैव उर्वरक एक जीवाणु खाद है, या यूं कह लें बहुत सारे जीवाणुओं का एक संगठन है जो वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन है उसको, या मिट्टी में उपस्थित फास्फोरस है उसको फसलों को उपलब्ध कराता है। और ये इसको हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कई प्रकार के होते हैं, इससे हमारा उत्पादन उत्पादकता के साथ मिट्टी का स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा होता है। जैव उर्वरक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाले, दूसरा फास्फोरस घुलनशीलता के लिए, और तीसरा जैविक पदार्थ के अपघटन में इस्तेमाल होने वाले। जैव उर्वरक वस्तुतः 3 प्रकार के होते हैं, एक नाइट्रोजन को उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरक, एक फास्फोरस को उपलब्ध कराने वाले, एक जैविक पदार्थ को अपघटन में इस्तेमाल होते हैं। तो मुख्यतः जो 2 जैव उर्वरक हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस को उपलब्ध कराने वाले, नाइट्रोजन जो उपलब्ध कराते हैं जैव उर्वरक वो भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सहजीवी, एक होते हैं असहजीवी। जो सहजीवी होते हैं जो मुख्यतः दलहन वाली फसल में इस्तेमाल होते हैं, जैसे एक नाम लिया जा सकता है राइजोबियम जीवाणु खाद, इसी तरह असहजीवी जो है, असहजीवी भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे इनका नाम है एस्टोबैक्टर, एजो स्प्रिलम, इस तरह के जो जीवाणु खाद है जो दलहन के अलावा जो फसल हैं धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, इन सब में इनका इस्तेमाल होता है। और दूसरा एक जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण जैव उर्वरक है वो PSB जिसे बोलते हैं फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया एक जीवाणु है जो मिट्टी में उपस्थित अनुपलब्ध फास्फोरस है उसको उपलब्ध कराता है, और ये काफ़ी ये सभी फसलों में इसका बहुत वाइड रेंज है, ये दलहन के साथ साथ जो तिलहन है या धान, गेहूं, गन्ना, मक्का, सभी फसलों में इनका इस्तेमाल होता है और काफ़ी इनका अच्छा प्रभाव है। खासकर झारखंड की स्थिति में देखा जाए, झारखंड की जो मिट्टी है उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे
फास्फोरस जो पीएसबी है वो बहुत ही अच्छा कार्य करता है। इसके द्वारा हमारा जो अनुपलब्ध फास्फोरस है जो मिट्टी में डीएपी हम डाले जा रहे हैं उसका जो अनुपलब्ध है उसको उपलब्ध कराता है। राइजोबियम जीवाणु खाद मुख्यतः दलहन फसल में ही इस्तेमाल होता है। इसके इस्तेमाल से उत्पादन में वृद्धि तो होती ही है, साथ साथ मृदा का स्वास्थ्य भी बरकरार रहता है। जहाँ तक राइजोबियम की बात है, राइजोबियम जीवाणु खाद जो है वो मुख्यतः क्या सिर्फ दलहन फसल में ही इस्तेमाल होते हैं। किसान भाई भी देखे होंगे दलहन फसल के जो जड़ होते हैं, जड़ में छोटे छोटे गांठ दिखाई देते हैं, वो गांठ में ही ये राइजोबियम जीवाणुओं का निवास होता है। आइए, आप सबको मालूम है कि हमारे वायुमंडल में 78% नत्रजन उपलब्ध होते हैं। ये 78% नत्रजन को वो आप यूँ कह लिए स्थिरीकरण करके, फिक्सेशन करके वो पौधों को उपलब्ध कराता है। और ये जो खासकर दाल वाली जितनी फसल हैं उसमें तो इनका उत्पादन पर डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है, सीधा प्रभाव पड़ता है। और साथ में उत्पादन तो बढ़ता ही बढ़ता है जब हम राइजोबियम जीवाणु खाद का इस्तेमाल करते हैं। आप भी जानते हैं जब रासायनिक खादों का खासकर नत्रजन की बात है तो यूरिया के द्वारा हम लोग देते हैं, तो यूरिया जो रासायनिक खाद है उससे बहुत हमारी मिट्टी प्रदूषित होती है। तो इसका सीधा कहिए जब राइजोबियम जीवाणु खाद का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, फसल का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और उत्पादन उत्पादकता भी बढ़ती है। और इसमें एक और चीज़ है जो बार बार आजकल आ रहा है कि प्रधानमंत्री के द्वारा 2022 तक हमारी फसल को, हमारा किसान की आय को दुगना करना है, उसमें भी एक महती भूमिका ये राइजोबियम जीवाणु खाद या अन्य जैव उर्वरक एक अदा करते हैं। किसान भाइयों, वास्तव में जैव उर्वरक एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसके उपयोग से भूमि पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि ये भूमि के भौतिक एवं जैविक गुणों में सुधार कर उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जैसा रासायनिक खादों में देखा गया कि रासायनिक खादों का हम इस्तेमाल कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, उसका कहीं ना कहीं फसल पे या मृदा पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जैव उर्वरक के साथ ऐसा नहीं है, इसका हम डोज जितना निर्धारित उससे अधिक भी डालते हैं तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट न हमारे ज़मीन पर है, न फसल पर है, न वायु पर है, न पानी पर है, कहीं पे भी इसका नहीं है। और इसका इस्तेमाल करने की बात है तो इसका इस्तेमाल हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप 10 केजी बीज के लिए 200 ग्राम जैव उर्वरक सफिशियंट होता है। करना क्या है कि 100 ग्राम पानी, करीब पानी लेना है, 500 ग्राम पानी में 100-150 ग्राम गुड़ डालना है, उसको खौलाना है। खौलते फिर खौल जब जाएगा तो एक लसलसा पदार्थ बन जाएगा, उसको फिर ठंडा होने देना है, रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने देना। जब एकदम ठंडा हो जाए तब उसमें हम बीज की 10 केजी बीज और 200 ग्राम जैव उर्वरक को डाल के और उसका एक लेपन ऊपर तैयार कर लेते हैं। और वो तैयार होने के बाद करीब आधा घंटा या 15-20 मिनट तक उसको छाया में सूखने देते हैं प्लास्टिक पर रख के, और उसके बाद उसका बुआई कर देते हैं। तो ये किसान भाइयों को थोड़ा भी भ्रम नहीं होना चाहिए कि जैव उर्वरक से कहीं भी मिट्टी या फसल पर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा। किसान भाइयों, जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों के पूरक हैं, विकल्प कतई नहीं है। समेकित कृषि पोषक तत्व प्रबंधन के अंतर्गत हम रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। या जीवाणु खाद का इस्तेमाल हम करेंगे तो कर सकते हैं, इसका कहीं बुरा, क्योंकि समेकित कृषि पोषक तत्व प्रबंधन में भी ये एक ये तत्व है। समेकित पोषक तत्व प्रबंधन में हम रासायनिक खाद के साथ साथ जीवाणु खाद, जैविक खाद का भी इस्तेमाल करते हैं। इसका कहीं भी किसी भी एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप इन दोनों पे नहीं पड़ता है और मृदा स्वास्थ्य भी इसको अच्छा रहता है। अगर जैविक खाद का आपके क्षेत्र में अनुपलब्धता है तो आप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को संकट से उबारने के लिए जैविक खेती करें, इसका प्रचार प्रसार करें और इसके प्रति मन में कोई भी भ्रांति न रखें। यहाँ पे झारखंड के दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि जैव उर्वरक की एक जागरूकता की कमी तो है और उसका एक कमी के कारण एक और के अनुपलब्धता, कहीं कहीं रिमोट एरिया में वो जैव उर्वरक उपलब्ध नहीं होते हैं। तो किसान भाइयों से ये एक अच्छा निवेदन रहेगा कि यहाँ पे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पे जैव उर्वरक बनता है, वहाँ से आप इस्तेमाल करते हैं। 2-3 सावधानियाँ किसान भाई जरूर लें, पैकेट पर देख लें कि एक्सपायरी डेट जरूर देख लें, कब है, पैकेट फटा नहीं होना चाहिए, और जो फसल का जैव उर्वरक है उन्हीं का उसमें इस्तेमाल करें। और इसका प्रचार प्रसार की बात है, प्रचार प्रसार कई तरीकों से हो रहा है और ख़ासकर जब हम आजकल स्वाल हेल्थ कार्ड जब बट रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक योजना चालू किया गया है, उसमें भी जैव उर्वरक एक कंपोनेंट है। जब आप स्वाल हेल्थ कार्ड आप बनवाएंगे तो जैव उर्वरक का रिकमेंडेशन भी उसके साथ जाएगा और किसान भाई अपनी फसल के उत्पादन। किसान भाइयों, आज के अंक में बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी विषय में चर्चा भी हुई। हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा से और आज के विचारों से आपको लाभ मिलेगा। इसी तरह और भी नई नई जानकारियों के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम फिर से बताना चाहेंगे हमारा पता।
नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातो रोड रांची पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार जोहार।